पूरा ब्लैक दिखता है, पूरा एकदम बेकार मोबाइल दिखता है। हालांकि अभी नया है, कितना चला है मोबाइल अभी? 300 किलोमीटर। कहाँ घर हुआ आपका? पाकुड़। पाकुड़ कहाँ पड़ता है? झारखंड? क्या झारखंड? झारखंड पड़ता है ना। तो ये झारखंड से पाकुड़ से है दोस्तों। और ये इंजन वाल कहाँ डलवाए थे? मोबाइल कहाँ डलवाए थे? अपने गांव में, वहीं पर। कितना पैसा लिया था? 350। तो 350 लिया है इंजन वाल का। क्या नाम करके दिया था? मोबाइल अच्छा है बोले। क्या नाम से, क्या नाम बोला था वो मुझे पता नहीं है। कैस्ट्रॉल बोला था? वो मालूम नहीं मेरे को। देखिए ऐसा है ना कि कैस्ट्रॉल का डुप्लीकेट और हीरो का डुप्लीकेट, गल्फ का डुप्लीकेट, ये ज़्यादातर मार्केट में। क्या बिजनेस है आपका? चप्पल बेचने का। चप्पल कितना में देते हैं चप्पल? 50 रुपये। तो भाई देखिए इनके पास जो है 50 रुपये में मात्र चप्पल मिल जाता है, दोनों एक जोड़ा चप्पल, बहुत ही सस्ता है। घर में लेडीज़ लोग अपने पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। 50 रुपये, सभी 50 रुपये सेल है, बच्चे का जो वो सब। कंपनी की ड्रीम योगा बाइक है और इस बाइक में अभी गियर जो है, गियर में दिक्कत आ रही है। ये देखिए जिस तरीके से मैं पीछे की ओर अगर गियर दबाता हूँ तो पीछे ही रह जाता है, जबकि आगे ऐसे होना चाहिए। और ये देखिए गियर लीवर जो है ये रिटर्न नहीं हो पा रहा है। तो गाइस इससे पता चलता है कि गियर का जो लीवर शाफ्ट होता है क्लच साइड से, उसमें स्प्रिंग लगता है और वो स्प्रिंग टूट चुका है। तो क्लच साइड में हमें सभी पार्ट्स को खोलना होगा और आज हम आपको दिखाते हैं कि गियर लीवर का या गियर शाफ्ट का जो स्प्रिंग है वो कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लच, ये कवर देख रहे हैं, ये क्लच कवर खोलना है, सभी पार्ट्स का निकालना है, बाहर क्लच प्लेट सेंटर है, वो बैलेंसर, वो सभी चीज खोल के ही हम आपको दिखाएंगे। तो क्लच साइड का कवर हमने खोल दिया, ये बैलेंसर इसे निकालना पड़ेगा, ये क्लच का जो पूरा हाउसिंग है ये हमें बाहर निकालना पड़ेगा। नीचे देखिए क्लच ये गियर शाफ्ट है, ये वाला इस शाफ्ट को मैं बाहर निकालना है, ये वाला गियर शाफ्ट। देखिए हमारे पास होंडा का बिल्कुल जेन्युइन स्प्रिंग है और यही स्प्रिंग लगेगी इसके अंदर। पंखा बंद कर रहे हैं सलमान। तो गाइस ये है इसका स्प्रिंग, देखिए ये तो स्प्रिंग जो है बीच में से टूट गया है, दो फाक हो गया है। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग रहता है और इसका नया वाला स्प्रिंग भी आप देख सकते हैं। तो गाइस जिस तरह का स्प्रिंग होता है, इसी स्प्रिंग को हमें चेंज करना होता है। इसे हम लगाते हैं और ये हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हमें लगाना है। और ये होंडा का बिल्कुल ओरिजिनल है ये। एक किधर हम रखेंगे, दूसरा जो है हम इस साइड से पेचकस दो यार, पेचकस। देखिए हमने एक स्प्रिंग जो है इस साइड की ओर दिया, एक इधर दिया, ऐसे ही आपको लगाना है। यहाँ पे एक वाशर डाल देंगे, ये वाशर निकला था। और यहाँ हमें लगाना होता है बिना खुले नहीं मिल रहा। देखिए क्लच हाउसिंग हमें बाहर निकालना पड़ा, बिना क्लच हाउसिंग बाहर निकाले हम लोग नहीं लगा सकते। वैसे तो ये स्प्रिंग टूटा हुआ था, इस वजह से बाहर निकल गया था पहले ये लीवर। तो ऐसे हमें लगाना है यहाँ पर, और ये लग गया। और इस तरीके से ये जंप करता है दोनों तरफ, चेक करो गियर उधर लगा के, तो थोड़ा फंसाना थोड़ा सा।
ठीक है। तो इस तरीके से गियर ये काम करता है और अब ये रिटर्न भी होने लगा। ठीक है छोड़ दो। मैंने सारा पार्ट लगा दिया, क्लच कवर भी लगा दिया, क्लच वो जो स्प्रिंग टूटा हुआ था वो मैंने लगा दिया। अब एक चीज़ें मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें देखिए इंजन ऑयल जो डाला गया है ये डुप्लीकेट है। अभी मैं बाइक के ऑनर से भी बात करके बताऊँगा ये कहाँ पर डलवाया उन्होंने ये मोबाइल। डुप्लीकेट की मैं पहचान आपको सबसे पहले बता दूँ, जब भी डुप्लीकेट इंजन ऑयल रहेगा ये थोड़ा सा क्या है, इसका ब्लू कलर चमक आता है। ये देखिए इसका जो चमक है ना थोड़ा सा ब्लू कलर में से है और पूरा ब्लैक दिखता है, पूरा एकदम बेकार मोबाइल दिखता है। हालांकि अभी नया है। कितना चला है मोबाइल अभी? कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। कहाँ घर हुआ आपका? पाकुड़। पाकुड़ कहाँ पड़ता है? झारखंड क्या? या भट झारखंड। झारखंड पड़ता है ना। तो ये झारखंड से पाकुड़ से है दोस्तों। और ये इंजन ऑयल कहाँ डलवाए थे? मोबाइल कहाँ डलवाए थे? अपने गांव में। वहीं पर? कितना पैसा लिया था? 350। तो 350 लिया है इंजन ऑयल का। क्या नाम करके दिया था? मोबाइल अच्छा है बोले। क्या नाम से, क्या नाम बोला था वो मुझे पता नहीं है। कैस्ट्रोल बोला था वो मालूम नहीं मेरे को। देखिए ऐसा है ना कि कैस्ट्रोल का डुप्लीकेट और हीरो का डुप्लीकेट, गल्फ का डुप्लीकेट, ये ज़्यादातर मार्केट में अभी उपलब्ध है। तो जब भी आप इंजन ऑयल को डलवाएं तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वीडियो, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैस्ट्रोल इंजन ऑयल को कैसे पहचाना है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। उस ये वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बाइक में जो है कैस्ट्रोल का डुप्लीकेट लगाया गया है। तो गाइस 350 या 325 रुपये लिया जाता है इंजन ऑयल का और वो भी डुप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट मोबिल जो है किसी काम का नहीं है, इससे क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और धुआं भी मार सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, भैया कह रहे थे क्या बिजनेस है आपका? चप्पल बेचने का। चप्पल कितना में देते हैं चप्पल? 50 रुपये। तो भाई देखिए इनके पास जो है 50 रुपये में मात्र चप्पल मिल जाता है, दोनों एक जोड़ा चप्पल, बहुत ही सस्ता है। घर में लेडीज़ लोग अपने पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। 50 रुपये सभी 50 रुपये सेल है, बच्चे का जो वो सब। तो ये देखिए मैं जहाँ तक दिखा दूँ, एक मिनट इधर आओ जरा। हाँ ये सब छोटे बच्चे सब जो हैं लड़के सब पहनते हैं। 50 रुपये चप्पल जो है काफ़ी सस्ता मिल जाता है। ये बंगाल का प्रोडक्ट है ना? बंगाल का आइटम है। हाँ बंगाल का है। चलिए बंगाल का ये आइटम है, यहाँ से हमारे इधर से जो है बंगाल जो है मतलब कोलकाता जो है मात्र 6 घंटे का सफ़र है। 6 घंटे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग प्लास्टिक का आइटम ला कर हमारे तरफ सेल करते हैं। काफ़ी अच्छी बिजनेस है और ये लोग करते हैं और सेल के हिसाब से बिक्री भी होता है, इसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है। तो मेरा काम कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया है। मैंने आपको होंडा का ओरिजिनल जर्मिन जो है स्प्रिंग दिया है, ठीक है ना? चलते अब चलेंगे तब भाई पता चल। भाई को मालूम नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो ये बोलने लगे सर आपका चैनल है क्या? बोले हाँ। और बहुत कस्टमर ऐसे हैं जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे से ये बोलते हैं भाई कि मोबाइल बता रहा है आपको कि क्या बीमारी है गाड़ी में, बताइए। कितना बेवकूफ़ लोग हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई अभी सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे भाई वीडियो देख देख कर सीखते हैं। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और बस इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए अब मैं गियर चेक करके दिखाता हूँ। पहले क्या कर रहे थे हम, जब ये गियर पीछे अगर हम दबाते तो ये रिटर्न नहीं हो रहा था, इस तरीके से ये जो है जंप नहीं कर रहा था। आगे दबा जरा, ये देखिए, और ये आवाज़ भी नहीं करता था पहले। अब ये जो गियर लीवर है दोस्तों अब रिटर्निंग होने लगा है, जंपिंग करने लगा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।